श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जो विचार विचार विचारिए तो का छाती न दिलंतर ए पता आड़ा क्यों रहे जब हुक्मे बांधी कमर। जब हुक्मे बांधी कमर। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। हृदय में आवरण क्यों है उसकी बात कर रहे हैं। एक क्यों रहे पटारस में पूछ देखो हका इलमा। इस पहले वाली चौपाई में क्या कहा था यदि विचार करके देखेंगे ना तो राज्य के दिल में और हमारे दिल के राज्य के दिल और हमारे दिल के बीच में कोई अंतर नहीं है, कोई व्यवधान नहीं है, कोई आवरण नहीं है। वो हम समझेंगे तो विचार करके देखेंगे तो ये आवरण तो मात्र भ्रम का है। थोड़ी देर दुनिया को दिखा दी तो दुनिया की तरफ दृष्टि गई माया के तरफ, इसलिए थोड़ी देर का आवरण है। जब अक्षराते धामधनी ने चाहा, उन्होंने अपना आदेश भी दे दिया ब्रह्मात्माओं को जागृत करने का, तो फिर ये टिकने वाला नहीं है ये कहा। अब कहते हैं एक क्यों रहे पट अरस में पूछ देखो हका इलम। अब परमधाम में तो कोई आवरण रहने का कोई किसी आवरण का परमधाम में रहने का कोई वही नहीं है, संभावना ही नहीं है। तो जरा सा ज्ञान से देख तो लो। ओ उड़ाए देसी पट बीच का जब रूह हुकुमे आई कदम। जब आत्माएं जागृत होंगी श्री राज्य के चरणों में तो ये आवरण भी स्वतः मिट जाएगा। परमधाम में तो इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। यदि ज्ञान से समझ भी लो तो भी ये समझ में आ जाएगी। ये तो एक क्षण के लिए आवरण पैदा कर दिया है, बस माया दिखाने के लिए एक क्षण भर का आवरण है। यही पटा पट फरामोश का दिल में रही अंतर है। एक क्षण मात्र का एक भूलने का भ्रम का आवरण है, विस्मृति का आवरण। दिल में रही अंतर है इसलिए दिल में अंतर दिखाई दिया। राज्य के दिल में और ब्रह्मात्माओं के दिल के बीच में अंतर कर दिया इसने थोड़ी देर के भ्रम ने। जब हुक्मे बधाई हिम्मत, जब ज्ञान प्राप्त कर दिया और राज्य के आदेश से हिम्मत बना दी तब होश में ना आवे क्यों कर। फिर ब्रह्मात्माएं सचेत क्यों नहीं होंगे, जागृत क्यों नहीं होंगे, तो अवश्य हो जाएंगे। दिल अरस कया याही वास्ते, इसीलिए इनके हृदय को धाम कहा है। पर्दा कया जहूर, पर्दा भी क्या है, एक जहूर तो प्रकाश होता है, एक प्रकाश का ही पर्दा कह दे, प्रकाश का एक अक्षराती धनी ने आवरण डाल दिया तो कैसा, एक भिन्न एक प्रकाश जैसा ही, इसलिए उसको सत का आवरण ऐसा कहा है ना। तो एक प्रकार का वो आवरण इस प्रकार से डाल दिया है, जैसे कहीं पर कुछ दिखाना हो तो उसमें से क्या करेंगे कि कोई प्रोजेक्टर में दिखाएंगे तो उतने तक फोकस होगा ना, तो उतना वो प्रकाश दिखाई देगा, वो प्रकाश में ही ये फोटो वोटो सब अलग अलग दिखाई देंगे, तो प्रकाश के अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं है। तो इसी प्रकार से तो अक्षरार्थी धामधनी ने इनको वो प्रकाश में ये सब दिखा दिया। वो पर्दा भी प्रकाश का ही है। दो दिल के बीच में जो दिल देखे कर सहुर, दोनों दिल के बीच में आवरण इसी प्रकार का है। यदि विवेक से देखें, ज्ञान से देखें, समझें तो ये समझ में आएगी। हक छाती निपटन जी कहे, अक्षराति धामधनी का हृदय ब्रह्मात्माओं के हृदय से अत्यंत निकट है। शहर अगस्य नजीक कही, हृदय की मूल धमनी से भी नजीक ऐसा कहा है।
हक सहुर किए बिना आड़ी अंतर तो रही, तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को समझे बिना अंतर तभी रहता है। मतलब जब तक परमात्मा की समझ नहीं आएगी तब तक अंतर दिखाई देगा, आवरण दिखाई देगा। हक भी कहे दिल में अरस भी कया दिल, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा भी परमात्माओं के हृदय में है और धाम भी उनका हृदय ही है। पर्दा भी कया दिल को और पर्दा भी दिल में ही है, ये कह दिया। आया सहुरे बेवरा निकल, जब तारतम ज्ञान से समझ प्राप्त होगी, विवेक आएगा ना, तब ये समझ में आएगी आवरण क्या है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जहाँ होंगे वहाँ आवरण तो हो ही नहीं सकता, आवरण क्षण मात्र का है, ये बात समझाना चाह रहे हैं। जो पीठ दीजिए ब्रह्मांड को हुआ निश्चित दिन हक सहुरा, यदि ब्रह्मांड को पीठ देंगे, ब्रह्मांड के तरफ दृष्टि नहीं होगी तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को समझ पाएंगे, रात दिन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही दिखने लग जाएंगे। तब पर्दा उड़िया फरामोश का, तब भ्रम का पर्दा अपने आप ही उड़ जाएगा, विस्मृति का, भ्रम का। बका अरस हक हजूर, तो उस समय अखंड परम धाम और अक्षरातीत धाम धनी दोनों उसमें नजीक में दिखाई देंगे। तो उस समय लगेगा कि हम तो राज्य के चरणों में परमधाम में बैठे हैं, ऐसा फील होगा। महबूब छाती की लज्जत देत नहीं फरामोश, अक्षरातीत धामधनी के हृदय के प्रेम का आस्वादन करने का मौका ये आवरण नहीं देता है, ये रुकावट करता है। फरामोश उड़े आवे लज्जत, जैसे ही ये भ्रम का आवरण मिट जाएगा तो तुरंत ये अनुभव होने लग जाएगा। सो लज्जत हाथ प्रेम जोश, जैसे ही वह सुख मिलेगा, आनंद मिलेगा, तो प्रेम जोश ये सब उसके साथ में होंगे। उस समय ये सब भी हैं, ऐसा ख्याल आएगा। इश्क जोश और इल्मा ए हक हुकुम हाथ, हक हुकुम के हाथ प्रेम जोश और ज्ञान, ये सब अक्षराते धामधनी के आदेश के अधीन है। तब हक हैडा ना छूट ही, जब सब सुख हैडे साथ, जब तब हक हैडा ना छूट ही ए सब सुख हैडे साथ, जब ये सारे सुख हृदय में आ जाएंगे तो अक्षराते धामधनी का हृदय कभी ब्रह्मात्माओं से छूटने वाला ही नहीं है ना, छूटेगा ही नहीं, कभी भूलेंगे ही नहीं, समझ पाएंगे। ए मेहर करे जो माशुक तो रुआ हुकुमे बांधे कमर, जब अक्षराते धामधनी की कृपा करते हैं ब्रह्मात्माओं पर, तब ये आत्मा उनके आदेश से ही कमर कस लेती है, जागृत होने के लिए, आवरण को दूर करने के लिए तैयार हो जाती है। तब फरामोशी दूर दिल से हक हैडे चुभी नजर, तब ये फरामोशी है, भ्रांति कहो विस्मृति विस्मरण, तो ये एक आवरण है, वो दिल से कब दूर हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा। हक हैडे चुभी नजर, जब हमारी दृष्टि श्री राज्य के हृदय में पहुंच जाएगी, तो श्री राज्य के हृदय में दृष्टि पहुंच जाएगी, अथवा तो हमारी दृष्टि में श्री राज्य का हृदय हमारी दृष्टि में आ जाएगा, दिखने लगेगा, तो ये आवरण कब उड़ा हुआ होगा पता भी नहीं चलेगा। ये होए हक निष्वत, ये सब अक्षरातीत के संबंध के कारण ही होगा, अंगनाओं को ही ऐसा होगा ना। रुओं हुक्म देवे हिम्मत, ब्रह्मात्माओं को इसीलिए उनका आदेश से वो साहस देता, अरे तुम तो उनके अंगनाएं हैं, ओ तो जागृत हो जाओ, ऐसे वो साहस देता रहता है। तब फरामोशी रह न सके, तब तो फरामोशी भ्रांति का आवरण रह ही नहीं सकेगा। देह का छाती लाड लज्जत, तब अक्षराते धामधनी के हृदय के अपार सुख है, वो स्वतः प्राप्त होगा, उस सुख का आस्वादन ले पाएंगे।
इन्हें भी तो छाती न छूट ही, इस प्रकार श्री राज्य के हृदय को हम भूलेंगे नहीं। रूहों सो निश्चित दिन ब्रह्मात्माओं से ये सब कभी भूला नहीं जाएगा। असल सुख कहेड़े के श्री राज्य के हृदय के अपार सुखों को ये लज्जत लगे अरसतना, तो परमधाम की आत्माओं को ये स्वाद मिलेगा। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के हृदय का स्वाद आनंद वो प्राप्त होगा। जो इश्क सुख अरस के ये लगे रूह मोमिन, परमधाम का सुख है वो प्रेम का सुख है। जोश इश्क सुख अरस के, जोश इश्क ये सब परमधाम के सुख हैं। ये लगे रूह मोमिन जब परमात्माओं को ये सब प्राप्त हो जाएंगे और वो अनुभव करने लग जाएंगे, तब इस सब मदद हुए, तब ये सब आवरण को दूर करने में, भ्रम को मिटाने में मदद करेंगे। तब क्यों रहे पटरुवन, फिर ब्रह्मात्माओं के बीच में आवरण कैसे रहेगा? ब्रह्मात्माओं के हृदय में आवरण रहेगा ही नहीं। असल नींद सो फरामोशी, यथार्थ में नींद ही ये भ्रम है, भूल विस्मृति भूल भ्रांति यही तो नींद है। फरामोशी सोई अंतर, फरामोशी वही आवरण है। जो अरसल लज्जत आवई तो दिल में तब ही उड़े जुड़े नजर, जब परमधाम के सुखों का स्वाद मिलने लग जाएगा तो इल में तब ही जुड़े नजर, तब दृष्टि ये तारतम ज्ञान से समझ में आ जाएगी कि हमारी दृष्टि तो अक्षरातीत धनी से जुड़ी हुई है, ऐसा ख्याल आएगा। इल्म सहूर मेहर हुकुम, अब सबको गिना रहे, इल्म ज्ञान है, सहूर विवेक, मेहर कृपा हुकुम आदेश, ये चारों चीज़ें हुए एकठ हो रहा, ये चारों एक स्थान में एकत्रित होंगे। तिन खैच लिया मतार सका, तो वह फिर परमधाम की सारी संपत्ति अपने ओर आकृष्ट करेंगे, उस समय सबके सब संपत्ति दिखाई देने लगेगी। पटर नहीं कोई ओवरा, फिर कोई आवरण रहेगा ही नहीं। अरसतन दिल में ए दिल, दिल अंतर पट कछु नाहे, अब अरसतन दिल में ये दिल है ना, ये अभी लग रहा है स्वप्न का, ये भी परात्मा के हृदय में ही है, ऐसा ख्याल आएगा, उससे दूर नहीं है ऐसा ख्याल आएगा। दिल अंतर पट कछु नाहे, परात्मा और आत्मा के हृदय में कोई अंतर दिखाई नहीं देगा। सुख लज्जत अरसतन खैच ही, परमधाम का शरीर पर आत्मा है, वही परमधाम के सुखों का अनुभव करता है, वो खींचता है। तब क्यों रहे अंतर माहे, तब दिल में कोई अंतर रहेगा ही नहीं, कोई आवरण ही नहीं रहेगा। जब परमधाम के, जब पर आत्मा के साथ में आत्मदृष्टि जुड़ी, पर आत्मा कहते हैं ना, आत्मा की दृष्टि जैसे परात्मा के साथ में जुड़ जाएगी, तो उस समय फिर परात्मा है ये, इस आत्मा को भी अपने ओर खींच लेगी, फिर कोई आवरण रहेगा ही नहीं। सुपन हो तो दिल भीतर रुआ कहूँ ना निकसत, वैसे तो ये स्वप्न भी दिल में, दिल में ही अंतकरण की उपज है, स्वप्न अंतकरण को ही हुआ है। रुआ कहो ना निकसत, आत्मा तो कहीं निकली नहीं है, जो परात्मा है वहाँ से हट करके दुनिया में आई नहीं है, ये तो उसके अंतकरण में ये उसको भ्रांति हुई है। ये 14 तबका जरा नहीं, ये तो दिल में बड़ा देखा था, ये 14 तो लोग तो कुछ बड़ा है, बड़े है ही नहीं, इनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, किंतु हमने अंदर से मान लिया, या दिल कहने से ना, ये अंतकरण में हमने इनको बड़ा समझ लिया, मान लिया, ये एक प्रकार का भ्रम है। जैसे ऊँट को ऐसे रस्सी से बांधे बिना भी, रोज रस्सी से बांधते हैं, तो कभी उसके पैर में ऐसे हाथ लगा दिया, बांधे जैसे एक्टिंग कर दिया, तो ऊँट मान लेता है कि हम बंध गए। अक्षराते धामधनी ने कहा, चलो तुम कम दुनिया दिखाते हैं, तब तो तुम सब भूल जाओगे, तो बस ब्रह्मात्माओं ने मान लिया तो भूल ही गए, बाकी दूसरा कुछ है ही नहीं। तो वो बड़ा वो तो मान लिया, बाकी कुछ भी नहीं है।
हक छाते रुअथे ना छूटही। तो इस प्रकार अक्षराते धाम धनी के हृदय को परमात्मा कभी भूलती नहीं है, नजर न सके फिर उससे अपनी दृष्टि हटा भी नहीं सकती। जो कोई रुअ अर सके ताय हक बिना सब अंधेरा, जो परम धाम की आत्मा होती है उनको तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के बिना तो सब अंधेरा लगता है, उनको तो कभी छोड़ती नहीं है, उनको कभी भूलती नहीं है। हक छाती में लाड लज्जत और छाती में असल आराम। वास्तव में श्री राज्य के हृदय में अपार सुख हैं और उसी में परम शांति है। ये सब सुख को रस पूर्ण, ये सारे सुखों के रस से परिपूर्ण है, भरा हुआ है। तो रुआ लगा रही आठों जाम, इसलिए ब्रह्मात्मा आठों प्रार श्री राज्य के चिंतन में ही रहती है, उनके हृदय का चिंतन करती रहती है, उनके हृदय को अपने हृदय में बैठाती है अथवा उनके हृदय में प्रवेश करके अपार सुख का अनुभव करती रहती है। रूहों हक छाते चुभ रही सो देवे लज्जता अरवाहा को। ब्रह्मात्माओं के हृदय में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का हृदय अंकित होता है, तो सो देवे लज्जता अरवाहा को, तब ब्रह्मात्मा को अपार सुख प्राप्त होता है। श्री राज्य इस प्रकार सुख प्रदान करते हैं। असल सुख सागर भयो, ये असल सुख का सागर है। देखे अरस आराम सबमो, तब ब्रह्मात्माओं को सर्वत्र आराम ही आराम, शांति शांति दिखाई देगी। जो ये जो हकहेड़ी की खूबियाँ सो क्या कैसे बुद्ध माफक, श्री राज्य के हृदय की विशेषताएं ना क्या कहें। तो हम कहेंगे तो अपनी बुद्धि के अनुरूप कहेंगे, बुद्धि के अनुसार थोड़ा थोड़ा, पर एक कहे हक हुकुम और हक हुकुम बेशक, हक इल्म बेशक। वैसे तो हम तो कुछ भी नहीं कह सकते, क्या बोल सकते, किंतु श्री राज्य के आदेश ने ही कुछ बुलवाया है। और इल्म और हक इल्म बेशक और उनके ज्ञान ने, तो उन्होंने ज्ञान भी दिया और आदेश भी दिया, उसी ने कुछ बुलवाया है। बाकी तो उसको कुछ बता ही नहीं, उस आनंद के विषय में बताया नहीं जा सकता, वो तो शब्दातीत है। रुआ खड़ी करे हुकुम और बेशक लुदने इल्म, आत्मा को जागृत करते है वो भी करता है, वो भी श्री राज्य का आदेश ही है। और बेशक लुदने इल्म, ब्रह्म ज्ञान तारतम ज्ञान भी उनके आदेश से ही प्राप्त कर होता है। ना तो रुअर कहे क्यों नींद में, अन्यथा ब्रह्मात्माएं तो नींद में कैसे हो सकती है। हक हैड़ा बका खसम, श्री राज्य का हृदय वो तो अखंड धाम में ही है और ब्रह्मात्माएं भी वहीं पर है। केवल ये श्री राज्य के आदेश के कारण तो उन्होंने सोचा चलो ब्रह्मात्माओं को ये दिखा देते हैं, तो उसके आधार से ये सब भ्रम दिखाई दे रहा है, बाकी कुछ भी नहीं है। महामत कहे बोलो हुक्मे, महामत कहते हम भी उनके आदेश से ये सब कह रहे हैं, बोल रहे हैं। और मसाला ले, बाकी अलग अलग उदाहरण लेकर के बोल रहे हैं। इस कारण दरगाही रूहन को सुख असल देने के, ब्रह्मात्माओं को परम धाम की आत्माओं को असली सुख दुनिया में भी, भ्रांति में भी हैं तो भी उनको असली सुख का अनुभव हो, उसके लिए ये सब अक्षराते धनी बुलवा रहे हैं। बाकी वैसे बोलने का कोई सामर्थ्य नहीं है, परमधाम का वर्णन ऐसे नहीं हो सकता। अक्षराते धाम देने चाह रहे हैं और उन्होंने करवाया, तभी ये सब संभव हुआ है, ये कहना चाह रहे हैं। इस प्रसंग को यहीं रखते हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुख असल देने के, महामत कहे बोलो हुकुमे, महामत कहे बोलो हुकुमे, अरस मसाला ले, अरस मसाला ले, दरगाही रुहन को
सुख असल देने के, सुख असल देने के, सुख असल देने के।